मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। जब मैं मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूइंडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे। और यदि प्रभु इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहां है, या देखो वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो,
क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो।